तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल यार। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से नीट एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के हिसाब से। मतलब कि जितनी बार प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया रहता है, लगभग चांसेस 90% चांसेस यही होते हैं कि वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% है कि ज़रूर पूछेगा। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके सिलेबस के बाहर होते हैं, यानी कि उस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन से थोड़ा सा बाहर होते हैं, बाकी सभी के सभी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के क्वेश्चन ही आपको दिए जाते हैं। तो ये जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये आपके अभी 20 में ही हाल ही में पूछा गया था आपसे कि इसेंशियल अमीनो एसिड के नाम बताइए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आए हैं इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड से। ठीक है, चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि इसेंशियल अमीनो एसिड आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि इसेंशियल अमीनो एसिड होता क्या है, जो हमारे बॉडी को जरूरत होती है वो, या फिर ये हमारे बॉडी में ही होते हैं। तो सीधी सी आसान भाषा में याद रखिए कि इसेंशियल अमीनो एसिड वो इसेंशियल मतलब क्या होता है, जो जरूरी होते हैं। नॉन इसेंशियल मतलब जो जरूरी नहीं होते हैं। तो आप सीधे से याद रख सकते हैं कि इसेंशियल मतलब जिसकी आवश्यकता है, यानी कि जो हमारे बॉडी में है उसे हमें क्या जरूरत है बनाने की, नहीं जरूरत है। तो जो हमारे बॉडी में हैं वो हमारे क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, जिसकी ज़रूरत होती है, यानी कि जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, यानी कि वो हमारे इसेंशियल होते हैं, यानी कि वो हमें फूड के थ्रू चाहिए। तो वो हमारे अमीनो एसिड जो हमें फूड के थ्रू चाहिए होते हैं, जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, उन्हें कहते हैं हम इसेंशियल अमीनो एसिड, जो बॉडी नहीं बनाती है। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, बॉडी नहीं बनाती है। ठीक, और जो हमारी बॉडी बनाती है उसे हम कहते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक देखिए, सबसे पहले सबसे इजी ट्रिक्स है, और वो क्या है, और हाँ, पहली बात ये कि इसेंशियल अमीनो एसिड होते कौन कौन से हैं। तो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन, 9 होते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं, 9 होते हैं। ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन, हिस्टिडिन, वेलाइनिन, एसोलिन, आइसोल्यूसिन, फिर फेनिलेलिन, फिर उसके बाद मैथ्यूनिन, और फिर उसके बाद से होता है एर्जिनिन, फिर उसके बाद से ल्यूसिन। ये होते हैं। याद कैसे करेंगे, याद बहुत सारे लोग ऐसे रट लेते हैं फिर भूल जाते हैं, और अगर आप न्यूमेरिक बना के थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं तो आपको वो लर्न रह जाता है, उसे आप भूल नहीं सकते हैं। तो देखिए, सबसे एकदम ईजी ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है, देखिए, ट्राई, फिर उसके बाद से ट्राई, फिर दिस, ट्राई दिस, फिर वी आई, फिर पी, फिर एम, फिर यहाँ पर ए, फिर यहाँ पर एल, बस यही, ट्राई दिस VIP मॉल। ठीक है, ट्राई दिस VIP मॉल। तो देखिए, ट्राई से हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफॉन। ठीक, और दिस यानी कि टी से हो जाएगा, टी एच से हमारा हो जाएगा थ्रियोनिन, और एच आई से हो जाएगा हमारा हिस्टिडिन। ये कि में दो है, दिस में क्या है, दो है, पहला क्या है, टी एच से हमारा थ्रियोनिन, एच आई एस से हमारा जाएगा हिस्टिडिन, दूसरा हमारा होता है, तीसरा होता है वेलाइनिन, उसके बाद से आइसोल्यूसिन, फिर उसके बाद से फेनालिन, फिर उसके बाद से मैथ्यूनिन, फिर उसके बाद से एर्जिनिन, फिर उसके बाद से ल्यूसिन। ठीक, ये हो गए हमारे 9 इसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है, इन्हीं की जो है वो ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, इसी की आवश्यकता होती है कि जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी नहीं बना पाती है उसे हम कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, और यही उसकी शॉर्ट ट्रिक है, ट्राई दिस VIP मॉल, ट्रिप्टोफॉन, फिर थ्रियोनिन, हिस्टिडिन, वेलिन, फिर आइसोल्यूसिन, फिर फेनिलिन, फिर उसके बाद से मिथ्योनिन, फिर उसके बाद एर्जिनिन और ल्यूसिन। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वही लेके आऊँगा और उसकी शॉर्ट ट्रिक भी लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन आया रहेगा। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।